सलाम गाइस, दिस इज़ फहद। वेलकम टू बियर्डी फिटनेस। आज हम डिस्कस करेंगे कि मास एंड स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, बॉडी शेडी बनाने के लिए, साइज़ गेन करने के लिए कौन सा मौसम ज़्यादा बेस्ट है। मतलब किस मौसम में आप वर्कआउट जो है परफेक्टली कर सकते हैं और कौन सा मौसम सूटेबल है साइज़ बढ़ाने के लिए और मास एंड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, सर्दियाँ या गर्मियाँ। Subscribe to Beardy Fitness. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि मास और स्ट्रेंथ गेन करने के लिए और स्ट्रेंथ वर्कआउट्स करने के लिए, और जब बात आती है कि आपका साइज गेन कर, मतलब आप साइज गेन करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जो परफेक्ट वेदर है हमारे मुताबिक वो ये है, वो सर्दियाँ। विंटर इज़ बेस्ट फॉर गेनिंग मास एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। वो इस वजह से क्योंकि सर्दियों में जो है एग्जॉस्टन भी कम होती है, हपस भी कम होती है, मौसम भी सूटेबल होता है, और पसीना भी, मिनरल्स भी आपकी बॉडी से उतने ज़्यादा ज़ाया नहीं होते जितने आप गर्मी में ज़ाया होते हैं, गर्मियों के मौसम में। तो ये है कि मतलब आपकी और एनर्जी भी आपकी बॉडी से इतनी ज़्यादा ज़ाया नहीं होती वर्कआउट के दौरान भी और नॉर्मल वेदर में भी, नॉर्मल लाइफ रूटीन में भी। तो इसकी वजह से ना मतलब आपको अपनी डाइट कीप करना आसान होता है, एनर्जी को कीप करना आसान होता है, और गर्मी की वजह से चूँकि एग्जॉस्टन होती है और उसमें किसी ना मतलब किसी किस्म के मिसहैप का ख़तरा होता है बाज़ औक़ात, क्योंकि अगर ओवर ट्रेनिंग कर लें तो मतलब वो सेहत के लिए नुकसान होता है वहाँ पे गर्मियों में, और हीट प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो इसकी वजह से सर्दियाँ मास एंड स्ट्रेंथ गेन करने के लिए बेस्ट हैं। लेकिन हमारे जो अक्सर जो हमारे जिमर्स हैं, वो जो कि बहुत कॉमनली जिम्स में मतलब ये देखा गया है कि लड़के गर्मियों में ज़्यादा आते हैं, सर्दियों में कम आते हैं, बल्कि सर्दियों में तादाद तो बहुत कम रह जाती है, और वही लड़के फिर गर्मियों में आते हैं और दो दो घंटे गेम करते रहते हैं दबा के, पसीना निकल रहा है उनका, डाइट उनकी पहले नहीं लेते वो, तो जो थोड़ा बहुत वो खाते हैं वो भी पसीने की शक्ल में सारा निकाल जाते हैं, मसल को मतलब मसल्स की माँ बहनें कर जाते हैं, ठीक है। तो डाइट उनसे कीप नहीं करने होती और मिनरल्स वैसे ही गर्म हीट की वजह से ज़ाया हो रहे होते हैं, ठीक है। एग्जॉस्टन भी बड़ी मतलब अपनी पीक पे होती है, हबस भी पीक पे होती है। फिर ऐसे में जब वो इतनी दबा दबा के गेम लगा रहे होते हैं, फिर हमसे आके पूछते हैं कि भाई सप्लीमेंट कौन सा यूज़ करूँ कि साइज चढ़ाना है गर्मी में, या भाई ट्रेनिंग बड़ी कर रहा हूँ साइज नहीं चढ़ रहा। तो हम लड़कों को मतलब बता बता के यहाँ पे मतलब कि उनको कोशिश करते हैं कि मतलब एज मच एज उन्हें गाइड कर सकें, लेकिन लड़कों को भी इस बात को फॉलो करना चाहिए, सुनना चाहिए कि आपका मतलब मास एंड स्ट्रेंथ गेन करने के लिए सर्दियाँ और ये जो ठंडे मौसम है ये परफेक्ट होते हैं। फिर गर्मियों में भी आप जो है वो मास गेन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर एक मतलब एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, मतलब एक स्पेसिफिक वे ऑफ ट्रेनिंग है, वे ऑफ डाइट है, फिर उसको आपको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास राइट टाइम होता है मतलब ट्रेनिंग करने का, मतलब मास गेन करने का, जिसमें आप इजीली गर्मियों की नस्बत इजीली मास गेन कर सकते हैं, उसमें हम मोस्टली जो है वो जिम छोड़ चुके हुए होते हैं कि ठंड है यार चलो गर्मी आएगी फिर ज्वाइन करेंगे, और जब गर्मी आती है तो फिर हम सारे जिम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, सारे जिम ज्वाइन कर लेते हैं, दबा दबा के ट्रेनिंग करते हैं, लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद डाइट वैसे कोई नहीं होती या कीप अप नहीं कर पाते, मिनरल्स हमारी बॉडी में वैसे खड़े नहीं हो रहे होते धूप की मतलब गर्मी की वजह से, हबस अपनी पीक पे होती है, ठीक है, और एग्जॉस्टन भी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से बॉडी जो है उस तरह ग्रो नहीं कर पाती। हम अपनी बॉडी को लीन डाउन तो कर सकते हैं गर्मियों में, लेकिन उस तरह खुल के अपनी बॉडी को मतलब जिस तरह वो एक हर बंदे का ख्वाब होता है कि यार मैं मतलब मैसिव हो जाऊँ, मैं परफेक्ट हो जाऊँ, स्ट्रांग हो जाऊँ, मसल्स मेरे बड़े हो जाएँ, वो गर्मियों में रिजल्ट लेना मुश्किल है। तो मतलब बात का सलूशन ये है कि परफेक्ट जो टाइम है मास एंड स्ट्रेंथ गेन करने के लिए, सर्दियाँ ज़्यादा बेस्ट हैं बनिस्बत गर्मियों के। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to Beardy Fitness.